हम करेंगे कबीर जी की साखियां व्याख्या क्वेश्चन आंसर। पहले तो साखियों का अर्थ समझेंगे हम। साखी मींस साक्षी, मींस साक्षी मतलब जो चीज आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों के सामने। आंखों के सामने हो, ठीक है। तो साखी, इनकी कबीर जी के दोहों को साखियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाइव एग्जाम्पल्स देके जो चीजें हमारे सामने होती हैं ये उनके बारे में लिखते हैं, इसलिए कबीर जी की साखियां कहा जाता है दोहों को। ठीक है बच्चे, अगर पूछा जाए कि कबीर जी के दोहों को या साखी का क्या अभिप्राय है, तो यू कैन राइट दिस। साखी मीन, साखी का अर्थ है साक्षी, साक्षी मीन्स प्रत्यक्ष प्रमाण जो आंखों के सामने हो रहा हो। ओके, अब मैं कबीर जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ आपको बेटे। ये बिल्कुल अनपढ़ थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनका ज्ञान इतना ऊंचा था कि ये पढ़े लिखों को भी पीछे छोड़ गए। यानी इनके दोहे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं, दर्ज हैं, ठीक है, आदि ग्रंथ में दर्ज हैं। आदि ग्रंथ कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। इनके दोहे आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं। ओके, कबीर जी की भक्ति निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति मतलब कबीर जी किसी भी मूर्ति को सामने रख के पूजा नहीं करते, ठीक है। बनावटी दिखावा इनको पसंद नहीं है। ये कहते थे कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है, केवल मनुष्यता का धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इनकी भक्ति निर्गुण भक्ति है। ओके, इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा मीन्स पंचमेल खिचड़ी। अक्सर खिचड़ी बनाई जाती है बेटे, दाल और चावल दो चीजें डाल के, लेकिन इनकी भाषा पांच चीजों के मेल से बनी है। ओके, इसलिए इनकी भाषा को सुदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, यानी पंजाबी की लैंग्वेज बीच में मिक्स है, राजस्थानी, गुजराती, ऐसे ही आसपास की। और ठीक है, कबीर जी की भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी मानी जाती है। इन्होंने हमेशा दोहे ही कहे हैं, लिखे तो इन्होंने है ही नहीं, इनके फॉलोअर्स ने, इनके अनुयायियों ने नोट किए हैं। इनके जो दोहे हैं दो दो लाइनों के कहते थे, दोहे छंद हैं, दोहे छंद हैं। छंद छंद आपको पता है ना, आप शादी विवाह पे छंद बोलते हो, छंद पर आगे आइए जाइए, टू लाइंस में सम अप कर देते हैं हम बात, ठीक है। तो दोहे इनके छंद हैं, यानी मात्राओं की लिमिट होती है, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं। ये अनपढ़ थे फिर भी दोहे बोलते जाते थे अपनी मस्ती में। ओके, दोहे छंद हैं, ठीक है। दोहे गाए जा सकते हैं, इनके दोहे गाए जा सकते हैं, ठीक है। इजिली वी कैन रिमेम्बर, जैसे आप मुझे सिर्फ इतना सा बताएंगे जाति ना, तो मैं आगे सारा दोहा बोल दूंगी। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब इजिली याद हो जाते हैं, मुंह पे चढ़ जाते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। माला तो कर फिर कर में फिरे जी, फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। ठीक है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे जो ना सामही।
यानी मिल मतलब इनके दोहे इजीली लर्न हो जाते हैं, याद हो जाते हैं और गाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। ये था भाषा शैली, कबीर जी की भाषा शैली, मतलब इनका लिखने का यानी इनका बोलने का स्टाइल, इनकी चीज जो है वो हमें किस शैली में, किस स्टाइल में मिलती है। दिस वॉज द एक्स्ट्रा वर्क वी आर डूइंग। ओके, डायरेक्टली कम टू दोहाज नाउ। अब दोहे पे चल रहे हैं। पहले हम सारे दोहे एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद व्याख्या शुरू करेंगे। पहले, जाति ना पूछो साधु की, मेरे साथ बोल सकते हैं आप, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक ही है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सिमरन का। कबीर घास ना निंदिए, जो पाओ तले होए, उर पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। चलिए अब हम स्लोली वी विल स्टार्ट व्याख्या ऑफ दिस। विद व्याख्या वी विल डू साइड बाय साइड, वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो पहला है हमारा दोहा, देखिए, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति ना पूछो साधु की मीन्स साधु से कभी भी उसका उसकी जाति, उसका धर्म नहीं पूछना चाहिए। साधु से तो केवल केवल अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें हमें सीख लेनी चाहिए। ठीक है, जाति ना पूछो साधु की, साधु से कभी भी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, केवल उससे उसकी ज्ञान की बातें हमें सीख लेनी चाहिए। फिर उदाहरण इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि हमें साधु से जाति नहीं ज्ञान पूछना चाहिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उदाहरण किसका दिया है। जैसे हम बाजार में तलवार खरीदने जाते हैं ना, तो तलवार की धार देखते हैं, म्यान की सुंदरता नहीं। म्यान मीन्स कवरिंग ऑफ द तलवार। ठीक है, तो उन्होंने कहा म्यान ऐसी होती है ना बेटा, इसके ऊपर चाहे फूल बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स लगे हुए हैं, है ना, बहुत सुंदर है आपकी म्यान, हीरे लगे हुए हैं, जो मर्जी लगे हुए हैं, लेकिन हम इसे देख के तलवार कभी नहीं खरीदते। हम तलवार बीच में से निकालेंगे, हम तलवार की धार देखेंगे तो खरीदेंगे। यानी इट शुड नॉट बी ब्लंट, ये शार्प होनी चाहिए। म्यान जितनी मर्जी सुंदर हो, ना भी सुंदर हो, ठीक है, जैसे आप फोन खरीदते हो, कवर देख के थोड़ा फोन खरीदते हो, आप उसके इंटरनल जो है वो सारे एस्पेक्ट्स देखते हो तब फोन खरीदते हो, केवल कवर थोड़ा, कवर सुंदर है फोन ले लो जी, चाहे फोन अंदर से चलता भी ना हो। ठीक है, तो कबीर जी ने इतने सालों पहले कहा है, जाति ना पूछो साधु की, साधु से अच्छे व्यक्ति से उसका ज्ञान ले लेना चाहिए, उससे उसकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दी इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि हम तलवार का मूल्य करते हैं, म्यान का नहीं देते। ओके, क्लियर। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ओके, नेक्स्ट है, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक ही एक। गाली निकाली जाए ना एक होती है, उसका जवाब दे दो, दो हो जाती है। आप फिर उसका जवाब देंगे, फिर अगला उसका जवाब देगा, ये तो लड़ाई हो जाएगी और अनेक गालियां बन जाएंगी। तो कबीर जी कहते हैं गाली को उल्टा ही मत करो। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, गाली किसी ने दी, पीछे हट जाओ, दीवार को लग गई,
मुझे तो लगी नहीं, ठीक है मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आवत गारी एक है उलटत हुए अनेक, कह कबीर, कबीर जी कहते हैं नहीं उल्टी ये गाली का उलट के जवाब मत दो, वही एक की एक। बात वही खत्म हो जाएगी, गाली एक की एक ही रह जाएगी, यानी बुरी बातों का जवाब देना अच्छा नहीं होता। क्वेश्चन देखना पहला, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त तो उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, कौन बताएगा मुझे ये कह के कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? Who will tell? प्रबल प्रबल प्रबल, I am going to unmute you. हाँ प्रबल, I want to listen from you. Yes ma'am. हाँ बेटा, तलवार का मतलब होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर जी ये कहना चाहते हैं, जौन सा भी कोई भी ज्ञानी व्यक्ति होता है उससे हमें ज्ञान ज्ञान लेना चाहिए और उसका हमको धर्म, उससे हमको उसका धर्म नहीं पूछना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, कबीर जी चाहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान ले लेना चाहिए, हमें उसका धर्म जाति पाति में नहीं पढ़ना चाहिए। ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है आगे देखिए। तीसरा, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माही, मनवा तो चौधरी से फिरे, ये तो सिमरन नहीं, हाथ में लेके हम माला बैठे हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, मुंह से भी नाम ले रहे हैं, लेकिन मन हमारा चारों दिशाओं में घूम रहा है। ये हमने उस दिन भी किया था, एक्सपेरिमेंट भी किया था, याद है ना, मैंने कहा था कि चलो हम चलते हैं आगे, ठीक है, मन हमारा चारों तरफ घूम रहा है, तो ये तो सिमरन नहीं है ना, ये भक्ति नहीं है ना। भक्ति क्या है, भक्ति क्या है बच्चे? आप अपनी माँ को याद करना चाहते हैं, या आप अपने समय, चलिए आप मम्मी के पास बैठे हैं, आप नानी माँ को याद करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आंखें बंद करके केवल उनके बारे में एक बार सोचना होगा, चेहरा आपके सामने होगा, ठीक है ना। तो यही कहता है कि मन जो है वो चारों तरफ घूम रहा है, ये स्मरण थोड़ा है, ये तो ड्रामा है, आडंबर है, ठीक है। कबीर जी ने क्या कहा है, आडंबर छोड़ दो, आडंबर छोड़ दो, कबीर जी ने कहा दिखावा छोड़ दो, आडंबर मींस दिखावा। जो हम ऐसे माला फेरते और साथ साथ कहते रहते हैं बहु दूध उबल गया, ये दिखावा है, ठीक है, तो हमें दिखावा छोड़ देना चाहिए। ओके अगला नंबर फोर, पहले नंबर थ्री का क्वेश्चन देख लो। पाठ की तीसरी साखी जिसकी पंक्ति है मनवा तो दहो दस विरे, दहो दस मीन्स दसों दिशाओं में, मैंने उस दिन भी बताया था आपको दिशाएं दस होती हैं, दहो दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं, दस दिशाओं में यानी हर तरफ मन घूम रहा है, ये सिमरन नहीं है, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? Who will tell? Who will? अवनी, अवनी आपको अनम्यूट करूं बेटे, अवनी बच्चे, अवनी अवनी कहना चाहते हैं कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम मुंह से भी भगवान का नाम लेते हैं और माला भी फेरते हैं, पर हमारा जो अवनी स्टॉप देयर, उसने जस्ट पूछी है, मेन बताया, पूछा है उसने कि क्या, देखिए दोबारा सुनिए, कबीर सॉरी पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है मनवा तो दहु दसु दिसरे, ये तो सिमरनाई के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? आप ठीक बोल रहे थे, कबीर बताना चाहते हैं कि हम सिमरन कर रहे हैं पर हमारा मन चारों तरफ घूम रहा है, हमें इस प्रकार का आडंबर छोड़ देना चाहिए। हम सिमरन कर रहे हैं पर हमारा मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, हमें इस प्रकार का दिखावा छोड़ देना चाहिए। ओके जी डन, नेक्स्ट, कबीर घास ना निंदिए जो पांव तले होए, घास मींस तुच्छ सी चीज, तुच्छ चीज, तुच्छ छोटी सी चीज, घास की हम इंपॉर्टेंस क्या मानते हैं? आजकल बरसात में जगह जगह घास उग जाती है ना,
हमारे गमले में घास उग जाती है, हम उसे काट देते हैं, फटाफट निकाल देते हैं, है ना, छोटी सी चीज, मतलब यूजलेस चीज। कबीर घास ना निंदिए, कबीर जी तो बहुत महान है, वो कहते हैं घास की भी निंदा मत करो, घास को भी छोटा मत समझो, जो पांव तले होए, जो पैर के नीचे रहती है हमेशा, उसकी भी निंदा नहीं करनी। उड़ पड़े जब आंख में, कहीं घास का तिनका सूखा हुआ उड़ के हमारी आंख में पड़ जाए, खरी दुहेली होए, खरी मीन्स बहुत ज्यादा, ये उनकी रीजनल लैंग्वेज का वर्ड है, कबीर जी जहां रहते होंगे ना वहां बोलने वाली भाषा का शब्द है ये, खरी बहुत, दुहेली कष्ट, कष्ट, दुहेली मीन्स कष्ट, होए मीन्स कोई मीन्स होता है, यानी कभी तिनका उड़ के हमारी आंख में पड़ जाए ना बेटा तो हमें बहुत कष्ट होता है, आंख मलते हैं, चिपके मारते हैं, अभी भी नहीं निकला, लाल हो गया, मम्मा निकल नहीं रहा, हम कितनी परेशानी में गिर जाते हैं, और होता वो छोटा सा तिनका है बच्चे, ठीक है, छोटे से तिनके की भी उन्होंने कहा है, छोटी सी छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है, छोटी से छोटी चीज को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कहाँ लिखूं, यहां लिखूं, क्लियर होगा, हाँ, छोटी चीज को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ठीक है बेटे, देखिए अब क्वेश्चन दोहराइए, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पड़े हुए दोहे के आधार पर सोच कीजिए। घास बहुत छोटी सी चीज होती है, पर कबीर जी उसकी निंदा करने को भी मना करते हैं, क्योंकि छोटी चीज भी छोटी चीज भी क्या कर सकती है, विद्रोह करने पर कठिनाई दे सकती है, छोटी चीज विद्रोह करने पर, मैं समझाती हूं इसे, करने पर कठिनाई दे सकती है, छोटी चीज भी विद्रोह करने पर कठिनाई दे सकती है। टेक वन एग्जांपल, मम्मा ने काम वाली को हम तुच्छी समझते हैं ना, अपना बचा हुआ खाना दे दिया, अपना बचा हुआ अपने फेंकने वाले कपड़े दे दिए, है ना, अपने खराब मोजे दे दिए, अपनी चप्पल दे दी, है ना, मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए हम वो उनको दे देते। लेकिन आपको पता है कि मम्मा उसे भी कुछ नहीं कहते, सिर आंखों पर रखते हैं, क्योंकि अगर विद्रोह कर दिया वो हफ्ता ना आई तो मम्मी की तो वाट लग जानी है। ठीक है, ऐसे ही एक घास का तिनका बेटे बहुत छोटा सा होता है, बहुत माइनर सा होता है, लेकिन कहीं हमारी आंख में पड़ जाए तो वो सहन करने से बाहर हो जाता है, बहुत दर्द देता है। ओके, अगला, लास्ट वन, जग में बैरी कोई नहीं, कहते हैं जग में बैरी कोई आई नहीं, हमारा दुश्मन जग में कोई आई नहीं, लेकिन हमें लगता है हर दूसरा व्यक्ति हमारा दुश्मन है। जग में बैरी कोई नहीं, दुनिया में हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं हमारा, जग मीन्स दुनिया, बैरी मीन्स दुश्मन, लेकिन कब दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होता हमारा, जो मन शीतल होए, जो हमारा मन शांत हो, हमारे मन में गुस्सा ना होना, तो दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। ओके, क्लियर, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, अगर हमारा मन शांत है तो दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। कबीर जी आगे क्या कहते हैं, या आपा को डार दे, आपा मीन्स घमंड, कहते हैं घमंड को छोड़ दे, आपा मीन्स घमंड, मैंने किया ये भावना,
या आपा को डार दे, अपने घमंड को छोड़ दो, डार दो मीन्स छोड़ दो, दया करे सब कोई, हर कोई आप पर दया करेगा, हर कोई आपसे सहानुभूति रखेगा, हर कोई आपको प्यार करेगा। ठीक है, अपना घमंड छोड़ दो, जरा एक साइड पे रख दो अपना घमंड। लेकिन हम लोग तो इतने घमंडी हैं कि हमने किसी को फोन किया एक बार दो बार, उसने कॉल बैक नहीं किया ना, तो तीसरी बार हम फोन नहीं करेंगे। मैं नहीं करना, मैं दो बार कर लिया बस, उनमें बार बार करी जाने है ना। वो कहते हैं या आपा को डार दे, अपना घमंड छोड़ दो, कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा इस दुनिया में। अगर हम समझ लें कि जैसी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, हो सकता है दूसरा बंदा भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कारण वो नहीं उठा पाया वो, तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दोबारा देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जग में दुनिया, जग जगत दुनिया, जग में, ये जग वो ग्लास वाला जग नहीं है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। शीतल होता है ठंडा, या फिर हम कह लें कि जो हमारा मन शांत हो, या आपा को डार दे, हम अगर अपना घमंड छोड़ दें, दया करे सब कोई, हर कोई हम पर दया करेगा। यानी दुश्मन आप अपने व्यवहार से बनाते हैं, दुश्मनों को हम न्योता देते हैं, हमारा व्यवहार जो है वो दूसरों को दुश्मन बनने पे मजबूर करता है। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बनाने वाले दोष होते हैं, ये भावार्थ किस दोहे का व्यक्त करता है? हमने दोहा तो बताना नहीं, दोहा तो बताना नहीं, यानी ये क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना, क्वेश्चन सिर्फ तीन ही कॉपी में करने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट लाइन है ना, उसे अंडरलाइन कर लो, ये लास्ट लाइन का निचोड़ है। जैसे मैंने निचोड़ लिखे ना, ये लिखा, वैसे ही वो लास्ट दोहे का निचोड़ है। ठीक है, क्या है? मनुष्य का व्यवहार ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाला होता है, मनुष्य का व्यवहार ही दूसरे को विरोधी बना सकता है। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, इसी पेज पे लास्ट में नंबर फोर मिला, मिला शो मी द थंब लास्ट। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए, इसे हम करेंगे। क्यों कहा जाता है? आई हैव रिटर्न, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है साक्षी। साक्षी मीन्स प्रत्यक्ष प्रमाण, जो चीज आंखों के सामने हो। कबीर जी हमेशा वही दोहा कहते हैं जो हमारे सामने होता है। ठीक है, इसलिए कबीर जी के दोहों को साखियां कहा गया है। तो सम अप करते हुए हम चार क्वेश्चन करेंगे अपनी नोटबुक पे। ठीक है बच्चे, प्रबल कुछ पूछना है बेटा आपको भी? प्रबल अनम्यूट मैम, हम थर्ड का, मैम जो मैम थर्ड क्वेश्चन है, हाँ हाँ मैम, उसका हम ये लिख सकते हैं, कबीर घास की निंदा करने से इसलिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि छोटी से छोटी चीज का अपना महत्व होता है और विद्रोह करने से वो हमें कठिनाई दे सकती है। आप बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। और मैम फोर्थ का आंसर एक बार फिर से बता दो। फोर्थ क्वेश्चन है, कबीर जी के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? तो उसका आंसर ये मैंने लिखा था, साक्षी मीन साक्षी, साक्षी मीन प्रत्यक्ष प्रमाण, कबीर जी जो भी कहते हैं वो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है, इसलिए कबीर जी के दोनों को साक्षी कहा गया। मैम ऐसे ही एरो डाल के लिख देना। नहीं ओके मैम, एरो डाल के क्यों लिखना, आप तो पैराग्राफ में लिखेंगे ना बेटा।
ओके मैम, मैंने तो इन शॉर्ट लिख दिया, मैंने यहाँ क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लिखा है। ठीक है, हो गया स्पष्ट? ओके, मतलब हमारा ये पाठ आज का, आज क्योंकि हमने बेटा एक दिन पहले इसका स्टार्टिंग किया हुआ था, इसलिए हमारा ये पाठ आज का आज हो गया। ओके, आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे सेंड